Mr. Kapoor, there were a lot of comparisons between the first and the second, like, you know, so what did you get to hear? एक बात बताऊं, अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा. जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे. बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है. उस मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है. हाय अक्षय, कंग्रेचुलेशन टू द टीम. अक्षय, आप मानते हो कि आप काफ़ी हद तक आपने ऑडियंस की जो नस है एक्चुअली उनकी पकड़ रखी है, कह सकते हो कि स्टोरी लाइन? ये गलत है, कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता. कोई नस नहीं पकड़ सकता, अपनी पकड़ लो बहुत बड़ी बात है. नशे वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है. मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है. फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है. आपका नस किसी के नस पकड़ने से कुछ नहीं होता. बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती. हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुगले आज़म बनाऊँगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊँगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है. सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से.